Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजेनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बेसिकली सीखने वाले हैं FCP। हम लोग एक्चुअली हाउस म्यूजिक का जो है ट्यूटोरियल्स कर रहे थे, हमने दो वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड वीडियो बनाने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत लोग को एक्चुअली जो बीट्स और ये सब कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में मालूम नहीं है। तो मैंने सोचा पहले मैं FCP कर लूँ, उसका ऑर्गेनाइजिंग, बीट सब कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद मैं बाकी जो है हाउस म्यूजिक का जो है थर्ड पार्ट जो है मैं करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मेरा जो डेस्कटॉप है और आप लोगों को दिखाता हूँ ये बीट को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये साउंड डिजाइनिंग के एक प्रोसेस में आता है। और जो साउंड हम लोग अगर एक बार चूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हाउस म्यूजिक के लिए, अगर मैं इलेक्ट्रो हाउस के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये साउंड, तो मैं वो साउंड कभी चेंज नहीं करता अनलेस के अंटिल कि मैं एक नया साउंड या मेलोडी कुछ लेके आऊँ, लेकिन मेरा बीट्स, रिदम, बेस वह सब सेम रहता है। तो सबसे पहले तो हमारा आता है बेसिकली ड्रम्स। तो ड्रम्स हम लोग पहले जो है हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसका राउटिंग कैसे करते हैं ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरे स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे अभी मैं खोलने वाला FL स्टूडियो। तो अभी FL स्टूडियो खुल चुका है हमारा। और सबसे पहले हम लोग जब भी, बहुत लोगों को यही होता है कि सर मैं क्या करूँ सबसे पहले म्यूजिक बनाने से पहले, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार आज मैं बता ही दूँ मेरा जो ट्रेड सीक्रेट है, मैं सबसे पहले बीट बनाता हूँ और मैं हमेशा सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ FPC। बहुत लोगों का अलग अलग तरीका होगा बनाने का, मैं किसी को गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो गलत है या कुछ है, लेकिन मेरा तरीका यह है, मेरे को ये बहुत आसान रहता है, बिकॉज मैं हमेशा अपना साउंड जो है मैं निकाल कर रखता हूँ। जैसे आप FPC देख सकते हो, FPC में क्या होता है कि हम लोग अपना साउंड जो है एक बैंक बना के इसमें रख सकते हैं, हम लोग सेव कर सकते हैं। अभी इसमें देखिए ऑलरेडी जो है FPC में जो है ऑलरेडी एक प्रीसेट दिया हुआ इन लोगों ने, और हम लोग चाहे तो अपना भी दूसरा जो प्रीसेट्स इन्होंने इसमें जो दिया हुआ है उसको भी देख सकते हैं। अभी बेसिकली आप इधर जाएंगे FPC के ये प्रीसेट्स में, देखिए इधर तो ये डिफरेंट डिफरेंट अकोस्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक है और मल्टी ऑडियो आउटपुट का जो ये सब दिया हुआ उन्होंने, तो हम लोग प्रीसेट्स अपना भी बना सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग का अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक का हाउस म्यूजिक का प्रीसेट चाहिए, तो ये देखिए ऑलरेडी हाउस म्यूजिक का प्रीसेट इन्होंने दिया। अभी अगर मैं किक दबाऊंगा आप देख सकते हो ये हाउस म्यूजिक का जो है स्टाइल का उन्होंने अपना किक वेक सब देख के उन्होंने प्रीसेट बनाया हुआ है। और दूसरा आप देख सकते हो, एक और प्रीसेट में दिखाता हूँ, इसमें डबस्टेप जो हो गया, बहुत लोग डबस्टेप के बारे में बोल रहे हैं, अभी डबस्टेप का देख लीजिए किक अलग हो गया। दूसरा एक और देख लेते, फॉर एग्जाम्पल ब्रेक बीट देख लेते, देखा किक अलग हो गया। तो हर जो जॉनरे स्टाइल होता है उसका किक, स्नेयर, ये इंस्ट्रूमेंटेशन, बेस लाइन सब अलग हो। तो अभी हम जो अभी जो हाउस म्यूजिक का जो जॉनरे बना रहे हैं उसके लिए हम लोग को जो चाहिए वो मैं अपना पर्सनल बनाना चाहता हूँ। तो अभी वो कैसे करें, अभी ये प्रीसेट्स मैं कुछ यूज़ नहीं करना चाहता, मैं अपना पर्सनल बीट बनाना चाहता हूँ। तो इसमें जाएंगे हम, प्रीसेट्स में जाएंगे, आप देख सकते हो इसमें MT, ये MT करेंगे तो आपको देखिए सब खाली हो गया। अभी इसको एक एक करके मैं अपना जो बीट चाहिए मुझे मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये पैड वन में जा रहा हूँ मैं, इसमें बहुत सारे पैड्स हैं, पैड वन में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसको सबसे पहले इधर जो है मैं एक किक का सैंपल डालूँ। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपना जो ब्राउज़र है मेरा, ऑलरेडी इधर मैंने पैक्स ड्रम्स का जो है पैक्स लिया हुआ है, अगर आप लोग को नहीं मालूम मैं दिखा देता हूँ। देखिए आप जब ब्राउज़र खोलते हो ये पैक्स में किक्स आता है, अब अपना बाहर से भी थर्ड पार्टी वाला किक्स का या कुछ भी आप लोग ले भी सकते हो। तो इसमें मेरे को GRV किक बहुत पसंद है, अभी जैसे हम लोग हाउस म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे एक GRV किक बहुत पसंद है इसका, या हाउस म्यूजिक का जो किक आता है उसमें आता है, तो ये 6 नंबर जो है मुझे बहुत पसंद है। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप देखिए इधर करूँगा, ठीक है, ये सेलेक्टेड था मेरा, देखिए इधर ऑलरेडी देखिए वो नेम पे GRV किक आ गया मेरा। अब इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मैं इसको अभी रखूँगा इधर 50 पे रखूँगा, देखिए आप इधर देख सकते हो लेवल जो है, वॉल्यूम का लेवल जो है मैं इधर 50 पे रखूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा GRV। अभी इसको मैं कलरिंग और आइकॉन वाइकॉन कैसे डालूँ वो आप देख सकते हो, इधर इधर जाके रीनेम कलर एंड आइकॉन, तो ये GRV के बदले मैं लिखूँगा हाउस म्यूजिक के लिए, मैं अभी एक अपना जॉनरे का स्टाइल का मैं है जो है अपना FPC में बना रहा हूँ हाउस किक, ठीक है। और किक जो है मैं ये ले लूँगा इसका जो है, और एंटर, ये देखिए
अभी ये मेरा सेव हो गया हाउस का जो किक चाहिए मेरे को, हाउस का किक सेव हो गया। अभी हाउस म्यूजिक में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जो होता है, फिर स्नैर होता है, मैं स्नैर ले लेता हूँ अभी, एक स्नैर देखते हैं अभी इधर से जो भी है। मेरे को ये स्नेयर GRV का बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज उसमें ऑलरेडी किक का साउंड आ रहा है। ये स्नेयर पसंद आया मेरे को तो ये लेके आ रहा हूँ मैं, ये अपने इधर जो स्नेयर है, ठीक है। तो इसको अभी मैं सेम चेंज कर दूंगा इधर, इधर अपना जो है रीनेम चेंज कलर आइकॉन जो है इधर से मैं ले लूँगा स्नेयर का जो है मेरा स्नेयर, ठीक है। और नाम जो है मैं हाउस स्नेयर डाल दूंगा। ये मैं अपना साउंड डिजाइनिंग भी कर रहा हूँ, वो भी सोच लिया, तो जब भी मैं हाउस म्यूजिक बनाऊंगा मैं शायद ये लूंगा। स्नेयर के लिए मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये देखिए। और किक का मैं चाहता हूँ कि मैं रेड दूँ, बिकॉज मैं हमेशा रेड देता हूँ किक का जो है, तो चेंज कलर मैं इसका रेड देता हूँ, ठीक है। इसका भी साउंड मैं 50 में, मैं हमेशा इसको 50 में रखता हूँ, बिकॉज मैं बाद में जाके अपना जो है लेवल मैं बढ़ा सकता हूँ। अभी आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, नहीं तो ये क्या है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। अभी थर्ड वाले में मेरे को एक और ये चाहिए, वो है रिम, मैं 707 रिम ले लेता हूँ। और ये सब आपका डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है कि आप कितना क्या करना चाहते हो अपने, थोड़ा आप क्रिएटिव भी बन सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर, ठीक है। अभी रिम जो है मैं इसमें जो है रिम का जो है, रिम मतलब अपना स्नेयर केस में आता है, जो साइड का इसका जो एरिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो भी स्नेयर केस में डाल देता हूँ मैं। और इसमें लिख देता हूँ हाउस रिम, तो मैं अलग से नाम दे रहा हूँ उसमें, ताकि मेरे को पता चले कि भाई ये ऐसा ऐसा है। इसका कलर मैं देता हूँ थोड़ा ब्लू, ठीक है, हाउस रिम। और रिम के बाद स्नेयर नीचे मेरे को क्लैप्स परकुशन में होना चाहिए, क्लैप्स शायद ये रहा। ये मुझे पसंद आया, ये ले लेता हूँ मैं, और ये भी मैं थोड़ा 50 में रखूँगा। मैं सब कुछ 50 में रखता हूँ, मैं अपना पर्सनल स्टाइल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आप लोग ऑलरेडी और किसी में आप यूज़ कर रहे हो तो टोटली आपके ऊपर है, मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको यूज़ करने के लिए। और क्लैप का जो है मैं इसमें तो क्लैप का एक्चुअली कुछ है नहीं, तो बेसिकली मैं परकुशन के स्टाइल में कुछ भी ले सकता हूँ, या कोई भी आइकॉन आप ले सकते हो, तो जो भी चाहिए आप। ठीक है, तो अभी मेरा तो ऑलमोस्ट मेरा जो है अभी ड्रम्स का जो है पूरा ये हो गया। अभी हम लोग को इसे जो है बेसिकली रूट करना है, ठीक है। अभी इसको हम लोग रूट करेंगे, तो जब भी मैं खोलूंगा ये, मेरे को ये तैयार रहना चाहिए। तो इसका आप लोग को एक्चुअली एक ये भी बता देता हूँ कि मैं टेम्पलेट भी बना रहा हूँ साउंड डिजाइनिंग का, तो जब भी मैं हाउस म्यूजिक बनाऊंगा उसका एक टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी एक टेम्पलेट बना देता हूँ इसमें। बेसिकली अभी जो मेरा हाउस किक है, देखिए नंबर 1 पे आ रहा है, वो सही है। ये आउटपुट देखो इधर, इधर जीरो नहीं दिखता, इधर सीधा 1 पे आता है, तो 0 जो है ये 1 पे नहीं जाएगा, 1 पे डालेगा तो आप ये 2 में जाएगा, तो हमें 2 में नहीं चाहिए, 1 पे ही चाहिए, तो इसको 0 पे रख देते हैं, ठीक है। और इसको राइट क्लिक करके रीनेम कलर रिजेक्ट, जिसमें हमने ऑलरेडी लिया हुआ किक का जो है, तो किक का हम लोग इधर से ले सकते हैं, ठीक ये हो गया। स्नेयर जो है इसको जालेंगे 1 पे, तो जाएगा नंबर 2 पे पिक्चर का, ताकि हम लोग इंडिविजुअली हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें, समझ गए। तो स्नेयर जो है उसका जो स्नेयर है ये स्नेयर, फिर इसके बाद थर्ड वाला, इसको राउटिंग कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग राउटिंग। थर्ड वाला नंबर 2 पे जाएगा, नंबर 3 पे मिक्सर पे आएगा प्रीनेम, तो वो मैंने हाउस का रिम लिया, वो भी स्नेयर का मेरे इसमें आएगा, तो वो भी मैं स्नेयर का ही ले लेता हूँ, ठीक है। फिर तंबूरिन का मैंने कम नहीं किया था, 50 में कर रहा हूँ मैं, सुनते हैं तो मेरे हमको पता चल जाता है ये कैसा है
सुनने में क्या हो रहा है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये जाएगा हमारा नंबर 3 पे, तो चेक कर लेना सिग्नल अपना कहाँ पे आएगा। तो ये हो गया हमारा तंबूरी, रीनेम कर लीजिए। इधर जो हमने पहले जो रीनेम किया वो सब इधर आता है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको लिख देता हूँ तंबूरिन, जिसमें नहीं दिखा हम लोग को, तो तंबूरिन, ठीक है। कलर जो है हम लोग तंबूरिन का कलर ले लेते हैं अभी फ़िलहाल, ये वाला शायद कलर है, और ये जो है तंबूरिन हमारा ये है, ठीक है। तो ये हो गया तंबूरिन, चेक कर लेना। फिर इसके बाद क्लैप, तो क्लैप अभी हमारा जाएगा नंबर 1, 2, 3, 4, तो 5 पे आ गया क्लैप, रीनेम। तो देख लीजिए इधर क्लैप का कहीं पे है कि नहीं, क्लैप का नहीं दिख रहा आपको, तो हम लोग इसको हाथ पे कर लेंगे क्लैप, और क्लैप का कलर देख लेंगे थोड़ा डार्क कलर ये वाला ये डाल देते, और क्लैप का जो साइन दिया था हमने वो दे देते, वो था हमारा वेव का साइन था, ये देखते। फिर इसके लिए दूसरा एक और क्लैप है, तो ये था हमारा क्लैप 1, तो क्लैप 1 डाल देते ताकि हमको पता चले कि क्लैप 1 है। ये था क्लैप 2, तो ये था हमारा 4 पे, ये जाएगा 5 पे। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ मैं जो कर रहा हूँ, अभी आपको आइडिया मिल ही गया होगा, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे ये सब एक एक चैनल पे चला गया, देख सकते हो आप अभी। तो एक तो अभी मैंने ये सब सेट कर दिया, इसको अभी मैं चाहिए तो इसको प्रीसेट मैं सेव भी कर सकता हूँ। तो प्रीसेट FPC House, तो अगर मैं इधर जाऊंगा अभी प्रीसेट्स में, देखिए आप इधर न्यू FPC House आ गया। तो मेरे को हमेशा ये मेरा सैंपल लेने का ज़रूरत नहीं, तो मैं जब भी चाहे मेरे को मेरा साउंड, जब भी चाहे मुझे मेरे को मेरा साउंड मिल सकता है। तो ये बहुत फ़ायदे का चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को हमेशा साउंड ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको सब सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो सब सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्रिएट ग्रुप, ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट करके बोल सकता हूँ मेरा ड्रम्स। अब देखिए मेरा कलर जो है सब एक साथ ये हो गया, क्योंकि ये अभी मुझे मालूम है कि एक ग्रुप बन चुका है ये मेरा, देखा आपने। तो ये मैंने एक ग्रुप बना दिया मेरा जो तो मुझे मालूम है ये सब मेरा जो है ड्रम्स के ग्रुप में है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसमें कुछ भी सेलेक्शन करके इसको मैं अपने हिसाब से मैं खेल सकता हूँ इसमें, चाहे वो, अरे क्लैप 2 का हमने तो ये आइकॉन में डाला नहीं यार, ये डालता हूँ सारी। तो मैं इसको क्या है, मैं हमेशा खेल सकता हूँ इसमें, मतलब इसका EQs, इसका फेडर्स, पैनिंग मैनिंग सब। तो इसको जो है अभी मैं एक टेम्पलेट के तौर पर मैं सेव भी कर सकता हूँ, और सेम चीज़ जो अभी इधर जो है, इधर अभी मैं रीनेम कर देता हूँ ड्रम्स, ठीक है जी। तो ये ड्रम्स का मैंने अपना ये ले लिया, अभी जो भी मेरा ये जो ट्रैक का जो ये है मैं इधर भर दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके जो है रीनेम मेरा जो हो गया रीनेम स्नेयर हो गया रीनेम स्नेयर वापस एक और स्नेयर है मेरा, तो स्नेयर 1 और स्नेयर 2 है मेरा, रीनेम कर देते हैं उसको स्नेयर 1 स्नेयर 2, इसके बाद इसको अभी जो है राइट क्लिक करके ग्रुप विद अबाउट ट्रैक जो है, ठीक है, उसमें GG राइट क्लिक करके GG दबाते रहूँगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली जाएगा। ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये ट्रैक के साथ जो है ड्रम्स के साथ जो है ग्रुप हो गया। अगर मैं अभी ये ड्रम बंद करूंगा, ये देखिए, तो जितना भी मैं अपना ड्रम का प्रोग्रामिंग करूंगा वो इधर होगा, तो मैं अपना जो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट जो आने वाला है वो भी आराम से देख सकता हूँ, समझ गया। तो अभी ये जो है हमारा
ये नाम चेंज हो गया, इसको रीनेम कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ ड्रम्स, एफपीसी लिख देता हूँ ताकि पता चले कि एफपीसी है, और इसको भी मैं ज़रा एक ग्रीन कलर देता हूँ, एफपीसी है मेरा, ठीक है। वो जब हम लोग ग्रुपिंग करते हुए एक बग है एक्चुअली, वो चेंज हो गया। तो अभी देखिए मेरे ये जो ड्रम्स है, मुझे मालूम है ये ड्रम्स के अंदर ही आ रहा है, समझ गया। तो ये जो है अभी मेरा ग्रुपिंग हो गया पूरा। तो आप जो भी आई मीन कलरिंग करना चाहते हो तो आप कलर कर सकते हो, लेकिन ये जो मेरा मिक्सर में जो है ग्रुपिंग ऐसा होता है, समझ गया। तो ये मेन चीज़ हो गया आपका जो है एफपीसी का जो है राउटिंग हो गया, और आप ये कर सकते हो। अभी मेरा हाउस म्यूजिक का मेरा जो है यूजुअली मैं बनाता हूँ या 125-128 में मैं बनाता हूँ, 128 में रख लेता हूँ। अभी इसको जो है मैं सेव कर सकता हूँ अपने एक टेम्पलेट की तरफ से, सो फाइल सेव एस, ठीक है। तो अभी बेसिकली टेम्पलेट हम लोग सेव कैसे करेंगे, अभी मैं बाद में एक और बार इसको सेव करूँगा, मैं बताऊँगा। अभी इसको मैं लिख दूँगा नियो, मैं आपको लिख दूंगा इधर क्या लिखूं मैं अभी, बेसिकली न्यू हाउस, ठीक है, न्यू हाउस बोल के लिख देता हूँ। तो ये बेसिकली आपका जो लोकल डिस्क में प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है, आप इमेज लाइन में जाइए, लोकल डिस्क प्रोग्राम फाइल्स 80 से, ये 32 बिट में ही रहता है, ठीक है। इमेज लाइन में जाइए, इमेज लाइन में एफ एल स्टूडियो 20, उसमें डेटा में, ठीक है, डेटा में जाइए, फिर उसके बाद आप टेम्पलेट्स में जाइए, ठीक है। टेम्पलेट्स में जाके देखो, मैंने अपने एक ऑलरेडी एक नियो के एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ इधर, ठीक है, नहीं तो आप एडवांस में भी डाल सकते हो। देखिए इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे भी आप क्या डालना चाहते हो, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैं इसमें न्यू हाउस बोल के इलेक्ट्रॉनिक में डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है, सेव, ठीक है जी। अभी मैं अगर इसको बंद करूँगा, एफ एल स्टूडियो हमने बंद कर दिया, अभी मैं वापस एफ एल स्टूडियो खोलूँगा, ठीक है। अभी एफ एल स्टूडियो जब खुला मेरा, नॉर्मली जो है एम टी प्रोजेक्ट खुलता है, जो मैंने जो सेव कर करके एम टी प्रोजेक्ट जो है मेरा वही खुलता है। और अगर मैं चाहता हूँ अभी वापस मैं वही टेम्पलेट लेके आऊँ, तो मैं फाइल में जाऊँगा और मैं नया गाना जाना बनाने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू टेम्पलेट, एडवांस में जाऊँगा, ठीक है। कहाँ पर हमने रखा था वो याद है आपको, हमने कहाँ पर सेव किया था, ये रहा न्यू हाउस। ये आइकॉन सब डाल सकते हैं हम लोग, मैं आपको बाद में बताऊँगा ये आइकॉन कैसे डाल सकते हैं। ये तो मेरा न्यू हाउस का जो है ये आ गया। तो अगर हम लोग अभी ये क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो हमारा जो है FPC में जो भी हमने सेव किया था बेसिकली हमारा ये सेव हो चुका है, देखा आपने। तो ऐसे क्या होता है कि फिर आप जल्दी जल्दी अपना साउंड बाद में हमेशा चाहे आपको लेने का ज़रूरत नहीं है, चेक करने का ज़रूरत नहीं है, और आप लोग ये बनाना शुरू कर सकते हो, समझ गए आप दोस्तों। तो ये बहुत हेल्पफुल है हम लोगों के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए बाद में जाके, नहीं तो क्या हमेशा हमारा जो टाइम जो है बेसिकली साउंड डिज़ाइनिंग में जाता है। तो आपने देख लिया आज कितना बहुत ही हेल्पफुल है ये, बेसिकली हम लोग हमारा जो टाइम इसमें बच जाता है, बहुत टाइम बचता है, और हमेशा ये साउंड डिज़ाइनिंग में हमारा टाइम बहुत जाता है, और वो भी नहीं, अपना जो साउंड है वो एक ब्रांडिंग होता है। तो अगर आप हाउस म्यूज़िक का प्रोड्यूसर हो तो हाउस म्यूज़िक के लिए अपना एक साउंड रखिए, आपका किक कभी चेंज मत कीजिए, किक का जो साउंड है वही साउंड रखिए हमेशा। आप एक नया म्यूज़िक बनाओगे उसमें किक का साउंड चेंज करोगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको चेंज करना भी है दूसरा एक किक उसके ऊपर ओवरलैप करके पुराना जो किक का फ्रीक्वेंसी रख लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत उसको ट्वीक कर लीजिए, लेकिन जितना आप चेंज करोगे ना साउंड, तो आपका जो ब्रांडिंग है वो निकल जाता है। तो अपना ब्रांडिंग रखिए साउंड का, बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड का ब्रांडिंग रखना, और ऐसे टेम्पलेट्स बना के आप काम करेंगे, आपका बहुत टाइम बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़रूर ये वीडियोस जो है शेयर भी कीजिए, जिस जो लोग एक्चुअली ढूंढ रहे होंगे शायद सीखने के लिए, उनको मिलते रहे ऐसे वीडियोस, और वो लोग भी सीखें और अच्छी तरह सीखें सब लोग, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक एंड शेयर, नमस्ते।